पर इसके बाद खबरें विस्तार से। लोकसभा स्पीकर को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही अलायंस के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है। एनडीए से बीजेपी सांसद ओम बिरला और इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने मंगलवार को लोकसभा महासचिव के दफ्तर में नामांकन पत्र दाखिल किया। अब बुधवार सुबह 11 बजे वोटिंग होगी, उसके बाद नतीजे सामने आएंगे, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ओम बिरला फिर से बनेंगे लोकसभा अध्यक्ष, तो देखना यह होगा कि 26 जून को चुनाव के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा के इतिहास में पहली बार लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो स्पीकर के लिए ओम बिरला ने दाखिल किया अपना नामांकन। इंडिया ब्लॉक की तरफ से के सुरेश बने उम्मीदवार। खरगे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर है, मैं उनका सम्मान करता हूं। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात। एक प्रणाली होती है, उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलडोजर वाला एटीट्यूड नहीं बदलता तो हमें भी अपने तरीके से संघर्ष करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहते एक चीज है, करते कुछ और। कल कहा था सहमति का, और आज जो उप अध्यक्ष का पद वो भी वो देने के लिए तैयार नहीं। तो अगर पहले जैसा ही अहंकार बरकरार रहेगा तो हमारा भी लोकतंत्र को बचाने का और सदन की गरिमा को बचाने का संघर्ष बरकरार रहेगा, और इसीलिए हमने अपनी तरफ से के सुरेश जी उनको आगे हमने किया है। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल, जीत सुनिश्चित है अगर चुनाव ऐसा होता भी है, उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और TR बालू साहब आए थे, और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब NDA की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता सादिक खान लाइव जुड़ चुके हैं। जी सादिक, जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर के लिए पक्ष और विपक्ष में गहमा गहमी देखने को मिल रही है, एक तरफ ओम बिरला ने अपना नामांकन दाखिल किया है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक से के सुरेश ने नामांकन दाखिल किया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, क्या लग रहा है आपको 26 जून को होने वाले चुनाव से पहले क्या कुछ रुख देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से आप सुबह से देख रहे हैं कि लगातार सत्ता
विपक्ष के लोग जो लगातार अपने बयान जो उनके सामने आ रहे हैं एक दूसरे पर कटाक्ष से दौड़ यहाँ पर जा रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि खड़गे जी से जो राजनाथ जी ने कहा था हम रिटर्न फोन करेंगे लेकिन कोई कॉल नहीं आया, लेकिन जब राजनाथ सिंह सदन पहुंचे तो उनसे जब बातचीत की गई तो राजनाथ सिंह ने कहा कि तीन बार खड़गे जी को फोन किया गया है। अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से विपक्ष इस टाइम सत्ता पक्ष पर पूरी तरह से हमलावर है। साफ तौर पर विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं। उन्होंने डिप्टी स्पीकर के लिए पहले कहा था लेकिन इस बार वो साफ तौर पर नाच रहे हैं। तो साफ तौर पर इतिहास में पहली बार प्रियंका ऐसा होने जा रहा है कि स्पीकर के लिए मतदान होगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कल जो है मतदान होना है। आज कांग्रेस की तरफ से के सुरेश ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया तो ओम बिरला ने एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल किया। तो साफ तौर पर दोनों तरफ अभी गहमागहमी का दौर जारी है। लगातार जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं एनडीए में अलग बैठक चल रही है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं में अलग बैठक चल रही है। तो साफ तौर पर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है प्रियंका जी। बिल्कुल, तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। 11 बजे चुनाव होगा। जिस तरह से चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी हो गई है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपनी जीत को लेकर सुनिश्चित नजर आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से ओम बिरला को जो समर्थन मिलने वाला है उसको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर ओम बिरला को यहाँ पर जीत मिल जाती है, अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो क्या एक बार फिर से डिप्टी स्पीकर का पद खाली होगा? बिल्कुल, साफ तौर पर जितना जो सत्ता पक्ष के लोग हैं लगातार वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो साफ तौर पर डिप्टी स्पीकर के पद पर अड़ा हुआ है। तो पहले अगर देखा जाए तो पहले डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रहा था लेकिन इस बार जो है विपक्ष पूरी तरह से मजबूताई में है। तो साफ तौर पर विपक्ष जो डिप्टी स्पीकर के पद के लिए अड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच क्या सहमति बन पाती है। लेकिन अभी कल मतदान है, अभी टाइम लंबा है, हो सकता है कि आज रात्रि में कोई बड़ी बैठक हो जाए। तो पूरी तरह से अभी सबकी नजरें इसी पर गड़ी हुई हैं कि एनडीए जो है पूरी तरह से अपनी मजबूताई से चुनाव मैदान में है तो वहीं इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर के लिए पद पर अड़ा हुआ है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, मतदान होना है तो साफ कल जो है मतदान के बाद साफ हो जाएगा कि आखिर कौन 18वीं लोकसभा का स्पीकर बनेगा। जी बिल्कुल, तो एक तरफ जहां बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 18वीं लोकसभा का एक बार फिर से स्पीकर पद ओम बिरला को मिलता है या नहीं मिलता है, चुनाव कौन जीतता है, लेकिन उसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जिस तरह से गहमागहमी छिड़ी हुई है, साफ तौर पर इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में बीजेपी के बीच में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्या इसे बीजेपी की एक तरह से रणनीति भी माना जाए? क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन से समर्थन मांगने के बावजूद भी डिप्टी स्पीकर को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई, हालांकि चिराग पासवान का यह भी कहना है कि चर्चा के लिए तैयार थे लेकिन अन्य किसी नेता के द्वारा इस बात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है कि वो डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चर्चा को तैयार है या नहीं, तो इसे बीजेपी और एनडीए गठबंधन की एक रणनीति माना जा सकता है कि वो डिप्टी स्पीकर के पद पर बात ना करके कहीं ना कहीं इससे पिछली बार की तरह खाली ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रियंका जो पहले पद खाली रहा था लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से मजबूताई में, राहुल गांधी लगातार पहले दिन से यही कह रहे हैं कि हम डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं लेकिन आज जो बयान जो विपक्ष के नेताओं के सामने आए हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले डिप्टी स्पीकर पद को विपक्ष को देने के लिए सहमति जताई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से नाच गए हैं। तो साफ तौर पर जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पर हमलावर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाए। तो अभी जो लड़ाई है सबसे अहम लड़ाई डिप्टी स्पीकर के पद के लिए है लेकिन इस बार जो है प्रियंका साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार ऐसा नजर आ रहा है जिस तरह से विपक्ष मजबूत है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो शायद इस बार खाली ना रह पाए। जी बिल्कुल सादिक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, दक्षिण उपाध्यक्ष और उनके बेटे ने पुलिस से की अभद्रता, खाकी पर भारी पड़ रहे हैं खादीधारी, वीडियो बनाने पर भड़का बेटा, अखिलेश यादव के पक्ष में काम करने का लगाया गया आरोप, वायरल वीडियो में पुलिस के सामने गाली देते देख
नेताजी इंडिया वॉइस इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दीप टॉकेज का यह मामला बताया जा रहा है। कानपुर से खबर सामने आ रही है, दक्षिण उपाध्यक्ष खाकी पर भारी पड़े खादीधारी, गोविंद नगर थाना क्षेत्र के दीप टॉकेज का यह मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से पुलिस पर गाली गलौज करते हुए, पुलिस पर अभद्रता करते हुए नेताजी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर गोरखपुर से। अगली खबर सामने आ रही है, सीएम योगी का दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा, आपातकाल दिवस को काला दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए सीएम योगी, आपातकाल और उसके दुष्प्रभाव पर रखा अपना विचार। सीएम योगी ने लोकतंत्र सेनानियों को भी किया सम्मानित। आपातकाल को काले दिवस के रूप में मना रही है बीजेपी। सीएम योगी का दो दिवसीय गोरखपुर का दौरा, आपातकाल पर रखे अपने विचार। सीएम योगी ने लोकतंत्र सेनानियों को भी किया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी के अभियान आपातकाल को लेकर काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसे मना रही है। अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। और इसी खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दौरा है और विशेष गोष्ठी में हिस्सा उन्होंने लिया है, आपातकाल पर अपने विचार रखे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, आज मुख्यमंत्री का दो दिवसीय गोरखपुर दौरा है। मुख्यमंत्री गुरु गोरक्षनाथ पीठ पर पहुंचे, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। लगभग 3 बजे एनएक्सी भवन पहुंचे, साथ ही वहाँ पे आयोजित बीजेपी के कार्यक्रम में जो है उन्होंने गोष्ठी करते हुए अपने संबोध को रखा। वहीं उपस्थित आए दूर दराज से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी सम्मानित किया। दो दिवसीय दौरा है, रात्रि विश्राम गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर होकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी से काले दिवस के रूप में मना रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने विचार रखे हैं, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की आगे क्या रणनीति है? जी, जो ये काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो उसमें मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ महाराज को मनाया गया है। लगातार जो समीक्षा गया है, काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वही अब रणनीति की बात करें तो अभी कुछ खास नहीं, क्योंकि ये मीटिंग जो चल रही है गोपनीय चल रही है, तो इसलिए कुछ खास तौर पर कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद और क्या कुछ कार्यक्रम रहे हैं? दो दिवसीय दौरा गोरखपुर में है, गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, एनएक्सी भवन पहुंचे, काले दिवस मुख्य अतिथि बनाए गए। उसके बाद जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता एक आईपीएस अधिकारी के साथ बदसलूकी करते हुए और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहे आईपीएस अधिकारी का नाम रविदत्त गौड़ बताया जा रहा है, जिनको कांग्रेस नेता धमकी देते हुए कह रहे हैं कि घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद सिंह डोटासरा नहीं। तो यहां पर श्रीमान रविदत्त गौड़ साहब, आप अपनी आदत से बाज आ जाओ, नहीं तुम्हारी नौकरी में पड़ जाएगा जोर। ये कोई नहीं बचा सकेगा, न ओम बिरला बचा सकेगा, न भजनलाल बचा सकेगा, कोई नहीं बचाएगा। जिस दिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके पीछे लग गया, मैं कोटा से आज आपके यहां से इस मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, मिस्टर रविदत्त गौड़, अपने आप को संभालने वरना कांग्रेस का कार्यकर्ता तेरा जीना हराम कर देगा। कानून के मुताबिक काम करो वरना खैर नहीं होगी। ये ईडी पीडी सीबीआई चीटी पीटी कुछ नहीं लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल में आदमी
तुम कितनी औकात तुम्हारी कर लेना, लेकिन तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। घुटनों के बल नहीं चलवा दिया तो हमारा नाम गोविंद होगा। नई खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।